अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फरहीन कुकिंग्स फॉर यू यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ वाइट सॉस पास्ता की रेसिपी शेयर करूंगी, जिससे बच्चे हो या बड़े दोनों ही बड़े शौक से खाते हैं। तो चलिए देखते हैं ये वाइट सॉस पास्ता कैसे बनाया जाता है और इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो वाइट सॉस पास्ता बनाने के लिए हमें चाहिए पास्ता 1 कप, दूध लेंगे हम 1 कप, बटर लेंगे हम 2 टेबल स्पून, नमक लेंगे हम हसबे ज़रूरत 1 टेबल स्पून, हम मैदा लेंगे। और यहाँ पर मैंने 6 से 7 काली मिर्च को क्रश कर लिया है। अगर आप ये बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसे स्किप कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें चाहिए हमें वाइट सॉस पास्ता बनाने के लिए। तो पास्ते को हम पहले बॉईल करेंगे। तो यहाँ पर मैंने पानी रख दिया है गर्म होने के लिए। जैसे ही ये पानी गर्म हो जाएगा हम इसमें पास्ता ऐड कर देंगे। तो देखिए ये पानी में बॉईल आ चुका है, तो हम इसमें ये पास्ता ऐड कर देते हैं और इसके साथ ही हम इसमें ये थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे। और ये थोड़ा सा ऑयल हम इसमें ऐड करेंगे। पास्ते को हमें ज़्यादा नरम नहीं करना है, इसे बस हम 85% कुक कर लेंगे। इसमें हम थोड़ी थोड़ी देर में चम्मच चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे चिपके नहीं। पास्ते को बॉईल करते हुए हमें 5 से 6 मिनट हो चुके हैं, तो अब हम पास्ते को चेक कर लेते हैं। आप पास्ते को इस तरह उंगलियों से दबाकर चेक कर सकते हैं। अगर ये आसानी से टूट रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुका है। या फिर आप इसे इस तरह से चाकू से कट करके देख लें, ये आसानी से कट हो जाता है, तो इसका मतलब ये है कि ये अच्छी तरह से कुक हो चुका है। तो अब हम इसे छान लेते हैं। तो देखिए मैंने पास्ता को छान लिया है, पानी से इसे निकाल दिया है और इसे मैंने एक बार ठंडे पानी से भी वॉश कर लिया है। तो अब हम इसकी वाइट सॉस बनाएंगे। बर्तन मैंने रख दिया है चूल्हे पर, अब हम गैस की फ्लेम को ऑन करेंगे। गैस की फ्लेम को ऑन करने के बाद हम बर्तन में मक्खन ऐड करेंगे और इसे मेल्ट कर लेंगे। और जब ये अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगा हम इसमें मैदा ऐड करेंगे। मक्खन हमारा मेल्ट हो चुका है, अब हम इसमें मैदा ऐड करेंगे। मैदे को हम कुछ देर भून लेंगे, इसे बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना है, इसे वाइट ही रखना है। मैदे को हम लो फ्लेम पर भूनेंगे, इसे बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पर हमें नहीं भूनना है, वरना आपका जो मैदा है वो जल सकता है। तो देखिए अब ये मैदा जो है वो भून चुका है, तो अब हम इसमें ये दूध ऐड कर देते हैं। दूध को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं होने चाहिए। इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसमें ये नमक ऐड करेंगे और ये काली मिर्च भी हम इसमें ऐड कर देंगे। अगर आप बच्चों को बनाकर दे रहे हैं तो इसे स्किप कर सकते हैं। तो इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं सॉस में। वाइट सॉस को हम लो फ्लेम पर ही पकाएंगे क्योंकि ये बहुत जल्दी ठीक हो जाता है, तो इसीलिए हम गैस की फ्लेम जो है वो लो रखकर ही इसे कुक करेंगे। तो देखिए अब ये थिक होने लगा है, इसे हमें बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है। तो देखिए मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ कि किस तरह से हमें रखनी है। तो देखिए इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, इसे बहुत ज़्यादा हमें गाढ़ा नहीं करना है। अगर आप इसे बहुत ज़्यादा गाढ़ा करेंगे तो ये जल्दी थिक हो जाएगा। तो अब ये सॉस रेडी हो चुकी है, तो हम इसमें ये पास्ता ऐड कर देते हैं। पास्ते को भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए हमारा वाइट सॉस पास्ता बनकर रेडी हो चुका है, तो हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। पास्ता को मैंने बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है, अब मैं इस पर थोड़ी सी रेड चिली फ्लेक्स स्प्रिंकल कर रही हूँ। अगर आप तीखा पसंद करते हैं तो इसे ऐड करें, या फिर आप अपने बच्चों को बनाकर दे रहे हैं तो इसे स्किप कर दें। तो अब हमारा वाइट सॉस पास्ता बनकर रेडी हो चुका है। आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए फरहीन को दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।